एडविन रे गुथरी ने कौन सा सिद्धांत दिया? एडविन रे गुथरी क्या कहता है? समीपता या सामीप्यता की बात करता है। और एडविन रे गुथरी अमेरिका के हैं, व्यवहारवादी हैं, गणितज्ञ हैं, समाजशास्त्री हैं, एक मनोवैज्ञानिक भी हैं। और इसके सिद्धांत में संशोधन हुआ 1952 में। इन्होंने प्रयोग किया खरगोश और भूखी बिल्ली पर। अब हमने जो पीछे सिद्धांत पढ़ा वो बात अलग थी। हमने पीछे उद्दीपक की बात की, अनुक्रियाओं की बात की ना, इसमें हम पुनर्मिलन की बातें नहीं करेंगे। इसमें क्या लिया गया पहले वो ध्यान से सुनिए, मैं कहानी के माध्यम से बताता हूं। एक छोटी सी कहानी है। एक परिवार में 5 सदस्य हैं, मियां बीबी और उसके 3 बच्चे है ना। अब एक कहानी छोटी सी याद रखिएगा, उसमें सबसे छोटा जो बच्चा है उस बच्चे का नाम पीटर है। क्या है? पीटर। और उनके पापा का नाम रॉबर्ट है। पापा रॉबर्ट है, टबर पीटर है, और उनके परिवार का एक सदस्य खरगोश भी है। पीटर रोज खाना खाता, खरगोश को पास बैठा लेता। जैसे ही खाना खाने शुरू करता वो बुकड़ा मारना शुरू कर दिया करतो। क्या करे? बुकड़ा। जैसे ही टेबल पे खरगोश को बैठाया पीटर तो बुकड़ा मारा। बुकड़ा मारना समझ रहे होगे? हाँ। रोवे तो पीटर आप आई गला नहीं कहेगा, तू टिंगर ना ले उस टुकड़ा टलन कौन दे मर जाने। इतनी बार बैठी और मैं आऊँ तई मेरू के दुश्मनी गेलड़े जन्म को मांगे के मेरे यू। पीटर एक दिन की करो कन्ने बैठे हूँ कह छोरक है। पीटर और रॉबर्ट कन्ने कन्ने बैठे आ तो खरगोश यू कन्ने बैठे हो और खरगोश यो जानबूझ के उनके पाया में रख दियो, उनका गोद में रख दियो। थोड़ी बार तो बुकरड़ा मारा जी लगा के, बाद में सोचिए यार ये तो खाई को नहीं, न्यू बुकरड़ा मारे हो। बाद में बुकड़ा रख दिया बंद, बुकड़ा जानो के रोनो कर दियो बने बंद। सोच ली यार एको मतलब टिंगर में डर हुए हैं चीज को, कहियो खरगोश तो खतरनाक प्राणी है। एको मतलब है किसी भी समस्या के पास जब तक नहीं जाएंगे तब तक उसका समाधान ही नहीं होगा। अब मान लियो थे रीट को पेपर मास्टर लागनो चाहो और रीट का फॉर्म भरने से डरो और पेपर देने से डरो। अरे भाई पेपर दिए ही तो मेरे पटको है कि नहीं। वह अपने कहावत है कि भाई ऊखड़ी में सिर दे लियो तो मूसल का धमाके से कीड़नो। सुनी होगी आ? सुनिए ना जी, आप पेपर दे लियो तो फैल को कीड़ रहे, दुनिया फैल हो गए कीड़ रहे। बताओ पेपर दो कोई बात नहीं, फेल होगा तो यूं तो पता चलेगा अपनी कमियां खड़े हैं। एक व्यक्ति को उसकी असफलता ये बात सिखलाती है कि उसमें कमियां कहां रही। मैं कह रहा हूं कि व्यक्ति जैसे कल मैंने कहा था एक दिन पहले भी कि जैसे हम कल थे ना, हम आज वहां नहीं है। हम कल से आज बेटर हैं, आज से हम कल बेटर होंगे। हमेशा यही रुतबा होता है। कल आप 10% थे तो आज 15% हैं, आज 15 है तो कल 20 होंगे, 20 हैं तो 25 होंगे। कभी भी हम वापस उस जगह से नहीं जा सकते जहां से आपने स्टार्ट किया था। आप वहां से शुरू नहीं कर सकते दोबारा अपने आप को जहां से आपने स्टार्ट किया। हम कुछ ना कुछ सुधार कर चुके हैं। ऐसी बात कौन कह रहा है? अपना एडविन रे गुथरी कह रहा है कि जैसे मान लो कि किसी को भय है, डर है, तो उस डर और भय के पास नहीं जाओगे, उसके समीप नहीं जाओगे तो समस्या बनी रह जाएगी। कहीं अंडर लगा कभी मुछाणा बेरू को भूत है, कभी गिल गिल दादू आ जाए, कभी दादी आ जाए, कोई नहीं आता। और एक बार बच्चा वहां पे खेल रहा है ना, बच्चे जैसे क्रिकेट खेले कोई मैदान, कोई लड़कियां खेल रही हैं। कई बार तो कह के मुछाणा में तो मुछाण जान हो गए, हाँ शमशान घाट लकड़ियां कई तो इसी लकड़ी लड़की हुए कौड़े मुछाणा में सभी लकड़ी पाड़ लिया वह बैंक करने से दादा के सिराने करने से दादा देखा के देखा है लीकड़ा काटो सू है को नहीं। डर नहीं है उनको क्योंकि जा चुके वो पहले दिन गया तो वो रात ना वो आए नहीं सो है ना। ऐसा मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक समस्या के पास नहीं जाओगे तो उसका समाधान नहीं होगा। तो सबसे अच्छी बात के कही एडविन रे गुथरी अपने प्रयोग में बताते हैं कि जब तक समस्या के पास नहीं जाते तब तक समस्या का समाधान नहीं होता। तो समस्या के पास जाना पड़ेगा। इसका मतलब एडविन रे गुथरी कहता है कि उद्दीपक अनुक्रिया में वो समीपता पे बल देता है। समस्या उद्दीपक है,
उस समस्या के समाधान में आप अनुक्रिया करोगे तो उसके पास जाके करो, समझ रहे हो। उद्दीपक अनुक्रिया में किस पर बल देता है? समीपता पे। इसका मतलब यहां पे प्राणी जब भी सीखेगा तो उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य किससे सीखता है? समीपता से सीखता है। इसके बाद सुनिएगा, इन्होंने एक प्रयोग किया, मैं थोड़ा प्रयोग बता रहा हूं, बाद में अपन वापस पहले पे जाएंगे कि नाम कैसे पढ़े वो, इस सिद्धांत के उपनाम कैसे याद रखे वो बाद का काम है। देखो इन्होंने भूखी बिल्ली पे प्रयोग किया, भूखी बिल्ली एक पिंजरे में बंद की गई, अपारदर्शी है, अपारदर्शी मतलब यह बिल्ली दिखे न, आ तो थाने दिखाने खातर है कि बिल्ली का पिंजरे इलना का किमी कौन दिखे, अपारदर्शी है और डब्बा बिल्कुल है बंद है, भीतर यूं ही कौन भी रुपट्टा कि बिल्ली एक तुष्टु है, बिल्ली बंद है कमरे में, इस पिंजरे में बंद है, अपारदर्शी है, आर पार नहीं दिख रहा। इसने क्या लगाया? इसने कैमरा लगा दिया। क्या लगा दिया? कैमरा लगा दिया, समझ रहे हो, कैमरा लगाया, बिल्ली से कैमरे से पिक्चर ले आ रहा, अपारदर्शी बुक्स लिया, बिल्ली अनेक अनुक्रिया कर रही है और कैमरे में उनकी 800 फोटो को क्या कर लिया? कैद कर लिया, क्लिक किया फोटो उनको, है ना। बिल्ली ने कहा होगा, है ना, एडविन रे गुथरे को ठीक नहीं आई तो दोबारा उछल के दिखाओ, है? है? तो कहने का मतलब भूखी बिल्ली अनेक अनुक्रिया कर रही होती है, अचानक उसका पैर है छड़ के संपर्क में आता है, जबकि उसको ना तो कोई उद्दीपक दिख रहा बाहर ना कुछ और बिल्ली का बिल्ली दरवाजे को खोलकर बाहर निकल जाती है और भोजन कर लेती है। बिल्ली उस दोबारा उसी बिल्ली को उसी बॉक्स में रखा गया, उसी तरह से उसने अनुक्रिया की, पर पहले की तरह अनुक्रिया करती रहती है, फिर बाद में दोबारा किया तो अनुक्रिया धीरे 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 क्या होती जाती है? कम होती जाती है। और एक दौर ऐसा आता है कि बिल्ली को पिंजरे के अंदर बंद किया, बिल्ली ने गई अंदर, लीवर पर पैर रखा, बाहर आ गई, यानी बिल्ली दरवाजा खोलना सीख गई। इसके निष्कर्ष देखते हैं कि जब भी प्राणी के सामने कोई उद्दीपक होता है, कोई स्टीमुलस होता है तो अनुक्रिया करता है, ठीक है कि अनुक्रिया करता है। आपके सामने जब मोबाइल पड़ा हो, डाटा उसमें हो, रहा नहीं जाता, थोड़ा देख लेते हैं आजकल मुजरा किस किस का चल रहा होता है। राजा महाराजाओं के काल में मुजरा करने के लिए राजाओं को पैसा लुटाना पड़ता था, उनका राज चला गया। आजकल ये हम मोबाइल पे मल्टीमीडिया के दौर में हम ये जो मुजरा देख रहे बिना पैसे का, ये आपकी नौकरी ले चलेगा सनाब। राजा महाराजाओं का राज चला गया मुजरा देखने में, तो हम लोग जो मल्टीमीडिया का प्रयोग कर रहे हैं और मल्टीमीडिया में जो आर बार ये मुजरा देख रहे हैं हम लोग, जो नए नए प्रकार के मॉडल आते हैं नाचते देखते हैं, ये हमारा समय का दुरुपयोग कर रहे हैं अपन, समय का सही सदुपयोग नहीं हो रहा, और एक दिन हम भी ये पिजामे खो देंगे, करते करते उम्र चली जाएगी, लड़कियां तो उनकी शादी हो जाएगी, लड़कों की जिम्मेवारियां बढ़ जाएगी, अब करो लेके टिपन मजदूरी, है ना। तो ऐसा ना हो, आप मुझे लगता है कि सारे बहुत अच्छे हैं, आप कुछ भी नहीं करते ऐसे। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध बनता है और उसे ही क्या कहा उन्होंने, ये कह रहा कि उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य जो संबंध बन रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि पुनर्बलन से हो, वो संबंध उसकी समीपता से भी बन सकता है। एडविन रे गुथरी कहते हैं कि उद्दीपक अनुक्रिया में समीपता के पारण अनुबंधन बनता है, इसीलिए इस सिद्धांत का नाम क्या हो गया? सामीपता अनुबंधन का सिद्धांत, समीपता अनुबंधन सिद्धांत। अनुबंधन का नाम आते ही अकेला क्या नहीं करना है? पावलोव नहीं करना है। निर्गमित अनुबंधन, उत्सर्जित अनुबंधन, है ना, साधनात्मक प्रतिबद्धात्मक अनुबंधन है, स्कीनर एस टाइप अनुबंधन है या आर टाइप अनुबंधन, आर टाइप अनुबंधन स्कीनर और एस टाइप अनुबंधन है पावलो। और यहां पे समीपता अनुबंधन की बात करें तो एडविन रे गुथरी, इसका मतलब एक सिद्धांत का नाम पड़ गया, क्या? समीपता अनुबंधन का सिद्धांत, सामीपता का सिद्धांत, समीपता का सिद्धांत, समीपता अनुबंधन का सिद्धांत। कई कार्य ऐसे होते हैं कि अपन एकल प्रयास से सीख लेते हैं, पहले ही प्रयास में सीख लेते हैं, कुछ जटिल कार्य होते हैं उनके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? अभ्यास की। इसलिए सिद्धांत का जो नाम पड़ेगा वन ट्रायल थ्योरी या एकल प्रयास का सिद्धांत, यानी पहले ही प्रयास में अपन सीख लेते हैं, कई बार हम प्रयास एक से अधिक करते हैं, तो ये एकल प्रयास का सिद्धांत नाम पड़ेगा।
जब प्राणी जन्मजात, ध्यान रखिएगा, कुछ जन्मजात और कुछ अर्जित अनुक्रियाओं में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थापित करके, कुछ जन्मजात और अर्जित अनुक्रियाओं में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थापित करके अधिगम करता है, इसलिए सिद्धांत का नाम है प्रतिस्थापन या स्थानापन्नता का सिद्धांत। क्या हो गया? प्रतिस्थापन या स्थानापन्नता का सिद्धांत। इसके बाद देखिएगा विधियों की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि इसमें तीन प्रकार की विधियों की बात कर रहा है। कितनी? तीन। एक तो होता है द्वार विधि या देहली विधि, एक होता है थकान विधि, एक होता है परस्पर विधि उद्दीपन विधि। ये तीन विधियों का जनक है, तीन विधियां, एक तो द्वार विधि, एक देहली विधि या सीमा विधि। अब सीमा विधि क्या होता है? किसी भी कार्य की सीमा अर्थात उसकी कमियां बच्चे को अवगत करा दो, बच्चा उनकी सीमाओं को उनकी कमियों को जानकर उस कार्य को नहीं करेगा। एक तो ये भाई सीमा और देहली का मतलब है देर जानो, देर तो आपने देहली बोल रहे हैं, सीमा का मतलब होता है कमी, कमियां बता दो। किसी भी अनुक्रिया के आप कमियां बता रहे हो, किसी भी कार्य के कमियां बता रहे हो, तो बच्चा उन कमियों को जानकर उस कार्य को नहीं करेगा। तो एक तो है द्वार दीपी के, कि बालक जो अवांछित अनुक्रिया कर रहा है, गलत अनुक्रियाएं कर रहा है, बालक को उनकी सीमाएं के बारे में बता दिया जाए तो बालक का डर भरम दूर हो जाता है, डर और भरम है दूर हो जाता है। एक है थकान विधि, जब कोई बच्चा अवांछित अनुक्रिया कर रहा है, कोई गलत कार्य कर रहा है, तो बच्चे से वो कार्य इतना अधिक बार करवाओ, इतना अधिक बार कराओ कि वो उसको थक करके इस कार्य को करना ही बंद कर दे। एक शराबी को इतना पिलाओ, इतना पिलाओ, इतना पिलाओ कि थक करके वो शराब छोड़ देता है। अब कह रहे हो कि नहीं, नहीं छोड़ देता है। इसके बाद परस्पर विरोधी, कई बार क्या होता है कि एक प्रकार के उद्दीपक से हम उत्तेजित होते हैं, एक प्रकार के उद्दीपक से हमें उत्तेजित हो रहे हैं जो हमें बाधा कर रहा है, अवांछित अनुक्रिया करवाता है। जैसे सोचो आप तैयारी कर रहे हो, आपका प्रीट का पेपर सर पे आ गया, अड़ोस पड़ोस में आपने जी की घर पड़ोस में आपने पीपड़ी ही पीपड़ी जानो कुण ही जो 35 की लाख के होके मास्टर नहीं लागी, वह पीपड़ी को ब्याह है एक मास्टर के साथ, जो बड्डो पीपड़ हो बड़को ब्याह है, ये डीजे बाजर ना करे आपनों पेपर है, कन्ने डीजे बाजर ना करे अपन पढ़ना है, कल आपनों पेपर है, आपा के करांगा उन डीजे की आवाज ने रोकने की कोशिश करांगा, करांगा तो के करा आपा अपने काना कमी एयरफोन ठोंस लेंगा, लगा लेंगा कि एयरफोन अपर ला की आवाज आओगी, बार लिया अपन की हो जाएगी बंद हो जाएगी, करा कौन करा है? और नहीं तो रुइया दाब लिया, ले भाई कौन सुनी बकिया जा है कि नहीं जी। मान लियो कि कोई समस्या आ जाए, थाने एक तरीको बताओ, थारे अड़ोस पड़ोस में ब्याह मंड जी आवर थाने पढ़ो है शाम के रुइयो लियो कन्ना में ठूस लियो पढ़िया जाओ, कौन सुने आवाज? एयरफोन लगा लिया नहीं सुना, बारली आवाज क्या हो गई? रुक गई। कहने का मतलब एक व्यक्ति को जो उद्दीपक कोई उत्तेजित करता है उसकी वजह से अवांछित अनुक्रिया कर रहे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहा, तो अवांछित अनुक्रिया को रोकने के लिए क्या करता है? रुकता है। एक बालक जब पढ़ रहा हो तो अवांछित आवाज आ रही है, बाहर से आवाज आ रही है, मम्मी बोले है, दादी मम्मी बोलना करी है, थन पढ़ो है, बाहर की आवाज आ रही, डिस्टर्ब हो रही हो तो ईयरफोन लगा लो, लगा लो कौन लगा लो, लगाओ कौन लगाओ, लगाओ भाई। इस सिद्धांत के अनुसार जो जन्मजात अनुक्रिया को एक उद्दीपक से बदला जा सकता है, इस सिद्धांत में उत्तेजना अनुक्रिया के मध्य भी संबंध स्थापित किया जाता है। तो देखिएगा अब अपन थोड़ा सा इस सिद्धांत के प्रारंभ के नामों पे जाते हैं। देखिएगा, देखो एडविन री गुथरी समीपता की बात करता है, सामीप्यता की बात करता है, तो सामीप्यता का सिद्धांत, सामीप्यता का सिद्धांत, सामीप्यता अनुबंधन का सिद्धांत, एक जन्म जात और अर्जित अनुक्रिया एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाती है, इसलिए इसे कहा गया स्थानापन्नता का सिद्धांत। कुछ ऐसी जैविक आवश्यक, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो पहले प्रयास में ही करना सीख जाते हैं, इसको स्थानापन्नता को इंग्लिश में जो बोला जाता है वो बोला जाता है सब्स्टिट्यूशनल थ्योरी। इसका मतलब ये भी तो स्थानापन्नता है, सब्स्टिट्यूशनल जो थ्योरी है ये स्थानापन्नता है, एकल प्रयास वन ट्रायल थ्योरी जो है यही तो नाम है, ये इकहरा प्रयास कहलाता है।
अधिगम का गैर पुनर्बलन है, गैर प्रबलन है, इसमें पुनर्बलन की बात नहीं की जाती। उद्दीपक अनुक्रिया में समीपता पे बात कर रहे हैं, और स्कीनर इसमें पावलो और एडवर्ली ठंडाई के सिद्धांत पर। तो देखो एक बात हमने लास्ट में पढ़ी कि जो एक उद्दीपक से होने वाली अनुक्रिया वो दूसरे उद्दीपक से होने लग जाती है, उसको रोका जा सकता है। तो इसका मतलब पावलो के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, और अनुक्रिया के मध्य जो उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य जो संबंध बनता है वो बात ठंडाई करता है साहचर्यवाद की, ये बात करता है समीपता की। अर्थात पावलो और ठंडाई के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि स्कीनर के सिद्धांत की कड़ी आलोचना करता है। स्कीनर के सिद्धांत की क्या करेगा? आलोचना करेगा। इसी के साथ आपका समीपता या साम्यता का सिद्धांत हुआ समाप्त। कल मिलेंगे अपन ब्रेक के बाद अगले सिद्धांत के साथ।